एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने अपना वीडियो शूट किया था और शूट करने के बाद मैं बैठी ही थी, मैंने अपना फोन हाथ में लिया, मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, इतने में मेरे यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन आया है निमास कॉर्नर के नाम से। निमास कॉर्नर एक यूट्यूबर है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, और जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ, वो एक यूट्यूबर है। तो उनके चैनल का एक नोटिफिकेशन आया कि मेरा चैनल बैन हो चुका है, और उस टाइम पर ही मैंने उस वीडियो को क्लिक किया। तो मैंने क्या देखा कि एक यूट्यूबर है प्रियाज ब्यूटी जोन करके, उनका चैनल हैक हो चुका है। चैनल हैक होने का मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक यूट्यूबर का ना पूरा का पूरा काम उसकी यूट्यूब होती है, पूरी लाइफ उसका यूट्यूब चैनल होता है, और वो चैनल हैक हो जाना मतलब ये लगा लो कि एक माँ के पास से उसका बच्चा हट जाना। उन्होंने भी यही बात कही थी, और सच में ऐसा ही फील होता है कि अगर किसी यूट्यूबर के पास से चैनल, वो चैनल ना रहे, वो चैनल आप देख सकते हो लेकिन आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते, तो ऐसा फील होता है कि यार हमारा बच्चा हमारे हाथ में आ नहीं सकता, हम देख सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते। तो उनके चैनल पे, उनके नए चैनल पे मैं गई, उन्होंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है और उसका नाम है प्रियाज ब्यूटी जोन न्यू करके उनका चैनल है। तो उनके उस चैनल पे मैं गई, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका रो रो के बुरा हाल था। और मैंने एक्चुअली, मैं उनको इसीलिए जानती हूँ, आई डोंट नो वो मुझे जानते हैं कि नहीं, बट मैं उनको इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाई थी पास द ब्रशेज वाला, और वो मैंने कहीं से डाउनलोड करके, और फिर मैंने उन मतलब बहुत सारे यूट्यूबर का कोलैब वीडियो था वो, तो उस वीडियो के साथ मैंने अपना वीडियो ऐड करके फिर अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो तब से मैं उनके चैनल को जानती हूँ, और वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मेकअप किए हुए हैं, हैक्स भी बताए हुए हैं। इतना तो मैंने नहीं देखा उनके चैनल को, बट जो जितना जानती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उनका चैनल हैक हो गया है, एक्चुअली उनकी एक छोटी सी गलती के कारण आज उनका चैनल उनके हाथ से जा चुका है। एक्चुअली हम यूट्यूबर्स के पास काफ़ी सारे कोलैबोरेशन मेल्स आते हैं, और उस मेल में कुछ ऐसे मेल होते हैं जो हमारे चैनल से रिलेट करते हैं, और कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो हमारे चैनल से रिलेट नहीं करते हैं, लाइक जैसे गेमिंग के, सॉफ्टवेयर के, VPN, इन सब के मेल्स आते हैं। तो उन्होंने क्या, उनसे एक छोटी सी गलती ये हो गई कि एक्चुअली आजकल यूट्यूबर्स अपने वीडियो में 10-15 सेकंड का एक गेम का ऐड करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मेरे पास भी आई है, मैं भी करके देख लेती हूँ। उन्होंने क्या किया, उस मेल का जवाब दे दिया, और मेल का आंसर करने के बाद उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर उनकी चैट हुई, आई थिंक कॉल भी हुआ होगा, आई डोंट नो, मुझे पूरी बात तो नहीं पता। और उन्होंने उस पे जो गेम वाले जिन्होंने मेल किया था गेम का, उन्होंने उनको एक लिंक दिया एंड पासवर्ड दिया, उन्होंने उस लिंक को लॉगिन कर दिया एंड उसमें पासवर्ड डाल दिया, और वो भी अपने PC से किया उन्होंने। शाम को उनको अपने सेकंड चैनल पे लाइव जाना था, जब उन्होंने शाम को वो अपने सेकंड चैनल पे लाइव जाने के लिए रेडी हुई, और जैसे उन्होंने लॉगिन किया तो वो अपने चैनल पे लॉगिन हो ही नहीं सकती थी। मतलब मैंने जब ये बातें सुनी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं क्या करूं कि उनकी हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जैसे आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोग प्लीज़ उन्हें भी अपना थोड़ा सपोर्ट दो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि उनका चैनल भी आगे बढ़े। इस टाइम पे उनकी बहुत बुरी हालत है, और सबसे बड़ी बात, जो चैनल उनके हाथ से छिन चुका है, जिस चैनल पे अब उनका राइट नहीं रहा, उस चैनल का उनके पास सिल्वर बटन आने वाला है। सिल्वर बटन आना एक बहुत बड़ी बात होती है यूट्यूबर के लिए, सिल्वर बटन एक अवार्ड की तरह होती है, बट वो अवार्ड तब आने वाला है जब उनके पास वो चैनल ही नहीं रहेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको सपोर्ट करें। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हो, मेरे चैनल को थोड़ा सा भी प्यार करते हो, तो आप उनके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करोगे, जरूर सपोर्ट करोगे। मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके सपोर्ट के लिए ये वीडियो। आई होप आप लोग मेरी बातों को सुनोगे और उन्हें ज़रूर सपोर्ट करोगे। बस आज आप लोगों को इतना ही कहना था, और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।